नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। हम भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कुतुब मीनार को जिन्होंने सचमुच में जिन्होंने कुतुब मीनार को कुछ देर के लिए गायब कर दिया था। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुतुब मीनार जैसे इतनी बड़ी इमारत जो है जिसको गायब कर दिया था। ऐसे ही हमारे बीच में डॉक्टर के सी पांडे साहब हैं, जो मैजिशियन भी हैं और जिन्होंने मैजिशियन पर रिसर्च किया हुआ है, किताबें लिखी हुई है और साथ में बहुत अच्छे वो रिसर्चर भी हैं। तो आज उन्हीं से हम रूबरू होते हैं। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ अगर आप 6 मिनट बिताते ना तो आपने अपने जिंदगी के 6 साल बचा लिए हैं। तो सर, हमें आपके कुछ जी नमस्कार, गुप्ता जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे हमारे चैनल पे आने के लिए। सर, हमारे चैनल पे तमाम युवा आपका आपको देखना चाहते हैं। जी, मैं तो आपके युवाओं के लिए 20 का डॉलर लेकर आया हूँ। ये देखिए, $100 है। अच्छा, ये 100 का डॉलर है, ये आपके लिए भी है, आपके युवाओं के लिए भी है। हाँ। इस 100 के डॉलर को मैंने यूं किया तो देखिए, ये तो ये क्रेडिट कार्ड बन गए हैं। आप क्रेडिट कार्ड से जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए क्या है ये, क्या है ये सर, आपने वो 100 का डॉलर गायब करके आपने क्रेडिट कार्ड बना दिया। बहुत तो आप 100 डॉलर से लिमिटेड खर्चा करते हैं और आप क्रेडिट कार्ड से मन चाहे मन चाहे 50,000 तक की लिमिट है। तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे समय जादू इस विषय पर दिया है। जादू को बोला जाता था तमाशा दिखाने वाला या मदारी का खेल बोला जाता था, लेकिन आज ये एक प्रोफेशनल बन गए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं, जादू के इस प्रोफेशन में। तो युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हमें क्रिएटिविटी में हमेशा लगे रहना चाहिए और क्रिएटिविटी ऐसी करनी चाहिए कि वो बिल्कुल उसकी चरम सीमा पर पहुंचे। कि देखिए, यदि आप गाना गाते हैं और मैं गाना गाता हूं तो सिर्फ गाना ही गाते हैं, लेकिन जब कोई कलाकार जैसे अगर लता मंगेशकर जी गाते थे तो लोग कहते हैं उनकी आवाज में जादू है। कुमार शानू गाए तो लोग कहते हैं उनकी आवाज में जादू है। दौड़ते सभी हैं, अगर उड़न परी उषा दौड़ती है तो लोग कहते हैं उनके पाँव में जादू है। यानी कि जब कोई भी हमारी कला वो परिपक्वता में आकर चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उस स्थिति का नाम है जादू। तो जादू वो कला है कि जहां पर सब उपमा अलंकार समाप्त हो जाते हैं, वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और हमें यही रचनात्मक और क्रियात्मक एक्टिविटी करती रहनी चाहिए और उससे हमें अपने राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से हम सहयोग दें, हमें यह देखना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि मेरे जो बॉस थे, कंपनी के बहुत बड़े मालिक थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि दिनेश जी, हमें इतना डीप में नॉलेज चाहिए ना कि ग्लास भरा हुआ पानी से ग्लास लीजिएगा और उसमें अगर हम कोई पत्थर डालते हैं तो कैसे पत्थर पूरे अंदर तक डीप तक चला जाता है, एकदम सतह तक पहुंच जाता है। तो वही बात आज आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपकी एक नई किताब मैं आपको फिर अच्छा से मैं बता रहा हूँ। अरे बाप, मेरे पास फिर एक $100 है। हाँ हाँ हाँ, ये $100 मेरे पास है, मैं इसको यूं कर देता हूँ। अभी आपके सामने ये देखिए कि ऑर्बिट इसके अंदर तैयार हुई है। ये ऑर्बिट आप ये खा सकते हैं और $100 इसके अंदर पहुंच गया है। तो ये तो जादू, देखिए $100 कहाँ है, आपको दिखाई दिया? हाँ 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 हाँ, दिखाई दिया। ये तो जादू कर दिया आपने। आपकी एक नई किताब आई है, आपने रिसर्च यानी जादू की जो किताब है उस पर आपने कुछ रिसर्च करके, उस प्रोफेशन पे रिसर्च करा करके आपने कुछ बातें बताई है। तो वो क्या है, एकेडमिक जादू की किताब क्या है ये, उसके बारे में बताएंगे? हिंदुस्तान में पहली किताब है। हाँ। किताब है जो एकेडमिक बुक है। जादू सीखने की तो बुक मार्केट बहुत सारे ऑलरेडी 4-5 अवेलेबल है और भी ऑथर्स की है, लेकिन एकेडमिक विषय पर इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी। जादू में एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का तो मिश्रण नहीं था, तो हमने वो एथनोग्राफिक रिसर्च के ऊपर वह बुक हमने लिखी है। रिसर्च के हमारी 6 साल की रिसर्च। तो ये किताब कहाँ पर मिलेगी किताब सर? इसका नाम है द आर्ट ऑफ मैजिक एंड मैजिशियंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यह किताब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और आईट पब्लिकेशन के ऊपर भी अवेलेबल है और आप ले सकते हैं उसको। मित्रों, ये किताब जो सर ने बताई है, द आर्ट ऑफ मैजिक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, ये किताब जो है, ये सर की किताब आ चुकी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ, वहां पर भी जाके आप वो अवेलेबल हो जाएगी किताब। अब आखिरी का एक संदेश, बस अब हम जा रहे हैं, 6 मिनट हमारे पूरे होने जा रहे हैं। आखिरी का जो संदेश है, आप क्या देना चाहते हैं इस जमाने को, इस संसार को, पूरे संसार को? 192 देश के लोग जो है, इसमें 800 अरब लोग रहते हैं, सबके लिए 800 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमें भरसक प्रयत्न करने चाहिए। जहाँ हम कोई भी आर्ट और एक्टिविटी कर रहे हैं उसका हम यूटिलाइजेशन और अपनी एजुकेशन का यूटिलाइजेशन किस प्रकार करें,
कि हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में ही शांति फैले और आपसी भाईचारा फैले। वाह, यानी हमें आज तो ये थे हमारे डॉक्टर के सी पांडे सर, जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, इन्होंने होल्डर है और कई इन्होंने अन्य बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सर का नाम है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बात बताई, हमें हमारी कला का, हमारे ज्ञान का, हमारे गुणों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि उनके डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी संदेश के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता साइन ऑफ हो रहा हूँ हयात रेजेंसी दिल्ली यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।